पेन में दिख रहे इस छोटे से छेद का क्या मतलब होता है, और यूट्यूब पर मिस्टर बीस्ट ने ऐसा क्या कर दिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। साथ ही साथ क्या कभी आपने एक ऐसे बीमारी के बारे में सुना है जिसमें आपका अपना खुद का हाथ आपके कंट्रोल में नहीं रहता? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 15, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं और ये कैसे फिलिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं? तो दरअसल पेट्रोल और डीजल हमें जमीन के नीचे से काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलते हैं जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है? तो दोस्तों, आज से हजारों लाख साल पहले इस धरती पर जब समय समय पर कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटी, तब धरती पर रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए, और हजारों सालों तक दबे रहने के बाद जब ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए तब ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। देन हजारों साल धरती के अंदर प्रेशर और हीट की वजह से ये लिक्विड में बदल गए, और जब इंसानों ने पेट्रोलियम और उसकी क्वालिटी को जान लिया तो कई बड़े बड़े कुओं में ड्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया, और फिर इन्हें रिफाइनरी में अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल को हीट किया जाता है। आप इसे ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबाला जाता है, और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है, वहीं 160 डिग्री पर हमें किरोसिन ऑयल मिलता है, और इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ पेट्रोल, डीजल और किरोसिन ऑयल जैसी चीजें हमें मिल जाती है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत का पहला इलेक्शन हुआ था तो उसमें सबसे पहला वोट किस शख्स ने डाला होगा? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल 1947 में ब्रिटिश राज के खत्म हो जाने के बाद देश का पहला इलेक्शन फरवरी 1952 में हुए, और आपको बता दूं देश का सबसे पहला वोट श्याम शरण नेगी जी ने डाला था, जिनका जन्म 1 जुलाई 1917 को हिमाचल प्रदेश के कल्पा में हुआ, और यह एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर भी थे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे मोटा आदमी होने का रिकॉर्ड जॉन ब्रावर मिनोज के नाम है, और इनका यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, जिन्हें दुनिया का सबसे हैवी पर्सन माना जाता है क्योंकि इनका वजन 1978 में 635 किलो तक हो गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने वजन को कम किया था, और जब 1983 में इनकी मृत्यु हुई थी तब इनका वजन 362 किलोग्राम हो गया था। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि टर्की के प्राचीन शहर हायरापोलिस में एक प्राचीन मंदिर है जिसे लेकर दावा किया जाता है कि यहाँ नर्क का दरवाजा है? दरअसल इसको नर्क का दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पिछले कई सालों से रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि अगर कोई मंदिर के संपर्क में आ जाता है तो उस प्राणी की मौत हो जाती है, और आपको बता दूं इस मंदिर के बारे में लोगों का मानना है कि सभी इंसानों की मौत यूनानी देवता की जहरीली सांसों की वजह से हो रही है, लेकिन सच क्या ये कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 11, कैफ कॉफी डे के नाम से भारत में मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक सिद्धार्थ ने साल 2019 में 7000 करोड़ के कर्जे से दुखी होकर सुसाइड कर लिया था, और बाद में उनकी बीवी मालविका जी ने सीसीडी का बिजनेस संभाला, और इसे कुछ सालों में इन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया, और अभी तक इन्होंने 5300 करोड़ का कर्ज चुका दिया है, और उनका कहना है कि धीरे धीरे वो बाकी बचे 1700 करोड़ का कर्ज भी चुका देंगी। अब अगर ऐसे ही महान काम हमारी बहनें करने लगेंगी तो हमारा देश किस लेवल तक जाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, यूट्यूब पर मिस्टर बीस्ट के नाम से फेमस जिमी डोनाल्डसन को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिनकी उम्र महज अभी 23 साल है, बट क्या आपको पता है कि उन्होंने साल 2021 में यूट्यूब से 405 करोड़ रुपए के करीब कमाए, जो अब तक यूट्यूब के हिस्ट्री में ऐसा किसी ने नहीं किया था, और इसीलिए वे यूट्यूब से सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले शख्स बन गए। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट के साथ साथ एक ट्रिक भी है जो आपके लाइफ में बहुत काम आएगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गलत नंबर दे रहा है तो जांचने के लिए उस नंबर का कुछ अंक बदल कर पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर वो आदमी उस नंबर को सही नहीं करता तो समझ जाइएगा कि दिया गया नंबर गलत है। फैक्ट नंबर 8, आपको पता ही होगा कि बाबा वंगा अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, और आपको बता दूं उनकी कही गई भविष्यवाणियां ज्यादातर सच ही साबित हुई हैं, लेकिन मरने से पहले उन्होंने 2022 में होने वाली घटनाओं के लिए जो भविष्यवाणी की है वो सच में डरा देने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2022 में धरती पर एलियंस का अटैक होगा, और कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आएगी, और भारत में अकाल पड़ जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो 2022 के एंड तक पता चल ही जाएगा, और आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, 2003 में कनाडा के एक शख्स ने शेयर मार्केट में 50,000 इन्वेस्ट किए, और वो 50,000 सिर्फ दो ही हफ्तों में 2600 करोड़ हो गए, जिसकी वजह से वो शख्स रातों रात करोड़पति बन गया। लेकिन जब पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने पुलिस से कहा उससे तो पुलिस वालों के होश ही उड़ गए। शख्स ने कहा कि मैं टाइम ट्रेवलर हूँ और 250 साल पीछे से आया हूँ, जिससे मुझे पता है कि कौन सा शेयर गिरेगा और कौन सा बढ़ेगा। उसके बाद पुलिस ने उस पर केस कर दिया, लेकिन जब उसे कोर्ट के लिए बुलाया गया तो वह उसके बाद से मिला ही नहीं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन 1973 में मोटोरोला कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए और वजन 2 केजी था, और आपको जान के हैरानी होगी कि इसे फुल चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था, जिससे सिर्फ 30 मिनट तक ही बात हो सकती थी। फैक्ट नंबर 5, अभी हाल ही में दुबई ने दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग
पुल तैयार कर लिया है जो दुबई के नाडल सेवा इलाके में मौजूद है, जिसका नाम डीप डाइव है और इसकी गहराई 60 मीटर है। और आपको बता दूं, इसकी क्षमता 1,40,00,000 लीटर पानी की है, जो ओलंपिक साइज के 6 स्विमिंग पूल्स के बराबर है। और इस पूल में भरे हुए 14 मिलियन लीटर पानी को नासा द्वारा विकसित की गई फिल्टर टेक्नोलॉजी के जरिए हर 6 घंटे में फिल्टर और सर्कुलेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, हर कोई पेन यूज करता है, लेकिन क्या किसी ने पेन के ढक्कन में लगे इस छोटे से छेद को जानने की कोशिश की है? दरअसल ये छेद पेन की स्याही को लीकेज से बचाने के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा गलती से इसे निगल लेता है तो उसके इलाज करने तक उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो, ये उसके लिए भी होता है। फैक्ट नंबर 3, किसी को भी किसी से प्यार हो सकता है। हालांकि प्यार होने के लिए एक दूसरे को देखना जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोग अनोखे भी होते हैं। दरअसल ये बात है कर्नाटक की एक लड़की की, जिसको पबजी खेलते खेलते बंगाल के एक लड़के से प्यार हो गया। फिर क्या, दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर शेयर किया, जिसके बाद दोनों फोन पर घंटों घंटों बातें करने लगे। और जब दोनों की लव स्टोरी का पता उनके परिवार वालों को चला तो दोनों परिवार के लोगों ने मिलकर दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। काश ऐसी नसीब हमारी भी होती। फैक्ट नंबर 2, मोबाइल फोन्स के प्रति लोगों की इतनी एडिक्शन को देखते हुए दुनिया भर के कई बड़े बड़े देशों ने मोबाइल फोन्स यूजर्स के लिए एक बड़े ही खास तरह के रोड बनाए जाने लगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को चलने की इजाजत है जो चलते समय भी अपने फोन को यूज करना बंद नहीं करते। और इन देशों में ऐसा करने से सालाना होने वाले एक्सीडेंट में काफी कमी आई है। आपको क्या लगता है, ऐसे रोड्स हमारे इंडिया में भी होने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एक ऐसी अजीब सी बीमारी भी होती है जिसमें आपका खुद का हाथ आपके कंट्रोल में नहीं रहता? दरअसल इस बीमारी का नाम है एलियन हैंड सिंड्रोम, जिसमें पीड़ित इंसान का हाथ अपने आप अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि खुद की बॉडी को अजीब तरह से छू लेना, या खुद को ही थप्पड़ मार लेना, या रात में अचानक आपका हाथ आपका गला भी दबा सकता है। और गाइस, ये हो चुका है अमेरिका में 84 साल की रहने वाली एक बूढ़ी औरत के साथ। आपको बता दूं, जब इनका लेफ्ट हैंड अजीब अजीब मूवमेंट्स करने लगता था, तब ये उसे समझाती थी कि ऐसा मत करो। और कई बार तो उन्हें ऐसा भी लगता था कि जैसे उनका हाथ किसी बुरी आत्मा के कंट्रोल में हो। मानना पड़ेगा इस बीमारी को। अब अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करके नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा।